हेलो एवरीवन, प्लीज जॉइन। आई एम ऑडिबल और नॉट, प्लीज कमेंट मी। आप लोग को साउंड क्लियर आ रहा है? हेलो सुरजीत मैम, आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए आप लोग को साउंड क्लियर है। तो थोड़े लोग ज्वाइन हो जाने देते हैं, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू मिशास किचन। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी कुछ लोग ज्वाइन हो जाने देते हैं, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज केक, आप लोगों को पता ही है। तो और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, आप लोगों ने जो पहले मैंने जो एगलेस वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी बताई थी, वो ट्राई की क्या? और यदि ट्राई की तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे बने हैं आपका केक्स, कैसे बने। जस्ट होल्ड। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं रेसिपी अपनी। तो आज मैं बना रही हूँ एगलेस, मेरी रेसिपी एगलेस ही होती हैं, एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही 100% रिज़ल्ट देने वाली ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिए, आपको एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा इससे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये, मतलब 6 इंच के टिन में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे 5 इंचेस में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच का टिन ले लिया है और इसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर दिया है ऑयल का लगा कर, और उसमें मैदा को डस्ट कर। आप चाहें तो इसमें टिश्यू पेपर या बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऐसे ही, जनरली मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको डस्ट करके रख दिया है। अब इसी रेसिपी को आप सेम
5 इंचज़ में भी बना सकते हैं। यदि आपको टॉल केक्स चाहिए तो आप इसमें भी इसको बना सकते हैं। तो ये रेसिपी दोनों के लिए ही है। तो मैं आज 6 इंचज़ के टिन में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम, मैंने इसको ग्रीस करके रख दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें इस तरह का जो बटर पेपर होता है उसको भी कट करके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली हुई है मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर ली हुई है 120 ग्राम, 240 ml से आप मेज़र करेंगे, 240 ml के कप से। तो उस एक कप मैंने यहाँ पर मैदा ली हुई है 240 ml के कप से मेज़र करके 120 ग्राम, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा कोको पाउडर। कोका पाउडर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 टेबल स्पून। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून कोका पाउडर लिया हुआ है यहाँ पर। और ये मैंने लिया हुआ है, आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ ये मैं कंडेंस मिल्क के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क लिया हुआ है 1/2 टिन, यानी कि जो पूरा टिन आता है वो 400 ग्राम्स का होता है। तो मैंने यहाँ पर उसका 1/2 टिन लिया हुआ है, यानी कि 200 ग्राम्स। तो ये मैंने 200 ग्राम्स कंडेंस मिल्क ले लिया है। तो ये बहुत ही रिच रेसिपी है केक की, बहुत ही टेस्टी केक बनता है इससे। तो इसमें मैं ये कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये बटर। तो आपको मेल्टेड बटर यूज़ करना है, और ये सॉल्टेड बटर मैंने लिया हुआ है। अगर आप सॉल्टेड बटर नहीं ले रहे हैं तो आपको इस रेसिपी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना होगा, पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत ही कम सॉल्ट आपको ऐड करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सॉल्टेड बटर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ऐड नहीं किया हुआ है सॉल्ट। और ये मैंने लिया हुआ है 1/3 कप। तो 1/3 कप मैंने इसमें ये बटर ले लिया है, मेल्टेड बटर। जो भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स हैं मोस्टली, वो हमको रूम टेम्परेचर पर ही रहने हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए इस रेसिपी में। इस रेसिपी में क्या, हर रेसिपी में केक की में आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो आपको पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख लेने हैं, जो भी आपको इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेल्टेड बटर। इसके बाद मैंने इसमें मिल्क लिया है, और मिल्क के बाद हमने लिया है इसमें ये पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर इसमें बहुत ही कम लगने वाली है, तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर ली है। तो ये पाउडर शुगर हो गई आपकी। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है हमें। और इसी के साथ मैंने लिया हुआ है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। और लिया हुआ है ये मैंने वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और विनेगर भी मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। विनेगर 1/2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो हेलो भावना मैम, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैं आज एगलेस, आपको पता ही है भावना मैम कि आज हम बना रहे हैं एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज। तो इसके लिए मैंने कुछ रेसिपीज़ बता दी हैं, आप एक बार, अभी ये वीडियो रहेगा तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं ना। तो अभी मैं आगे का शुरू करती हूँ, और इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही एक्सप्लेन किए हैं, आगे का मैं बताने वाली हूँ तो आप देख लीजिए। तो ये तो हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने वेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ले लेते हैं। तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे प्रोसीजर तो सेम ही ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें लेने वाली हूँ ये कंडेंस मिल्क। तो वेट इंग्रेडिएंट सबसे पहले हम इस बोल में ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये कंडेंस मिल्क ले लेते हैं 1/2 टिन। मैं आपको बताती जा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये मिल्क मेड या अमूल का जो भी आपको मिले आप वो ले सकते हैं, होममेड कंडेंस मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है 1/2 टिन, यानी कि 200 ग्राम कंडेंस मिल्क हम इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद मैंने इसमें 1/3 कप लिया हुआ है मेल्टेड बटर। तो बटर आपको रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर मैंने ली हुई है 3 टेबल स्पून, है ना। तो ये भी हम इसमें ले लेते हैं, क्योंकि पाउडर शुगर हमें कम ही लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं। कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा ये वनीला एसेंस, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो
अब इन सभी को हमको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी, सभी के पास हैंड बीटर नहीं होता है तो जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं उनसे ही हमको लाइव आके बताने में कुछ अच्छा है, जिससे ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, ज़्यादा लोगों के यूज़ की रेसिपी हो। तो ये देखिए, इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर मिल्क डाल लेती हूँ, जिससे कि ये आराम से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिल्क डालने से ये फटाफट से मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया है और इसे एकदम स्मूथ कर लेना है हमें। हेलो प्रीति मैम, आप लोग प्लीज़ बताइए साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है। तो इस तरह से हमें ये मिक्स करते रहना है, कम से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कि इसकी जो शुगर है और वो सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे अभी मैं रख देती हूँ साइड में। और अब हम ले लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमको सारे इंग्रेडिएंट्स को शिफ्ट करना है, इसमें से छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने ली हुई है ये मैदा, तो मैदा मैंने लिया ऑल पर्पज़ फ्लावर, इसको मैंने लिया हुआ है 120 ग्राम, यानी कि 1 कप से मैंने इसको मेज़र किया हुआ है। तो इसे ले लेते हैं हम, और इसी के साथ मैं इसमें डाल लेती हूँ बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। और डाल लेते हैं हम इसमें बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून, है ना, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इनको भी हम छान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कम से कम दो बार तो छानती ही हूँ, जिससे कि हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मैंने छान लिया है, और इसी के साथ जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो भी हम इसमें अभी मिला लेते हैं। ये है कोका पाउडर, कोका पाउडर मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 3 टेबल स्पून, तो इसको भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और इसके बाद आज जो मैं ये केक बना रही हूँ, ये मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर। तो मैं अभी अपना माइक्रोवेव भी ऑन कर लेती हूँ इसको सीव करने के बाद। तो माइक्रोवेव को प्रीहीट करना ज़रूरी है, माइक्रोवेव या ओटीजी जिसमें भी आप बना रहे हैं उसे प्रीहीट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ले लिए हैं, इनको हम दोबारा से एक बार और इसमें से छानेंगे जब हम फाइनल बैटर बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर लगा देती हूँ अपना माइक्रोवेव, यानी कि कन्वेक्शन मोड पर ऑन कर लेती हूँ मैं से। और इसको मैं बना, यदि आप लोग माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर बनाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह का जो रैक होता है, मिडिल रैक, इसमें हमको बनाना होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है सभी के, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो सभी का जो ओवन होता है या माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने टेम्परेचर पर वो चीज़ अच्छे से बन रही है। तो मेरा जो ये माइक्रोवेव है, इसमें यदि मैं कन्वेक्शन मोड पर लगाती हूँ उसे, तो मैं यहाँ पर 160 डिग्री पर बेक करूँगी हाफ़ एन आवर के लिए, क्योंकि 180 डिग्री पर मेरा केक मुझे, मैंने सो मतलब काफ़ी टाइम मैंने बनाया है, बट वो ऊपर से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 160 डिग्री पर, तो मैं इसे लगा देती हूँ अभी। सबसे पहले हम ये रैक जो है इसमें प्लेस कर देंगे पहले से ही। और यहाँ पर मेरा जो ये माइक्रोवेव है, ये IFB का है, तो इसको मैं प्रीहीट करने लगाऊंगी यहाँ पर 160 डिग्री पर, और स्टार्ट कर देंगे, और तब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिए हैं वेट इंग्रेडिएंट्स, और इसमें मिला लेते हैं हम अपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को।
वीडियो क्लियर है ना? प्लीज़ बताइए आप लोग, वीडियो क्लियर है ना? तो अब मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ले लेती हूँ। और इसी के साथ मैं इसे मिक्स कर सबसे पहले छान लेती हूँ। इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स में हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है छान लेते हैं अच्छे से, इस तरह से। और अब मैं इसे कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ पर हमें मिल्क ऐड करना है। तो इस रेसिपी में 3/4 कप मिल्क पूरा लग जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ अभी कि कितना मिल्क लगने वाला है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए पूरा मिल्क इसमें लग जाएगा, ये 3/4 कप आराम से लगेगा इसमें। और अब मैं यहाँ पर ये स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ और बाकी बचा हुआ मिल्क भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो कट एंड फोल्ड करके इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए कि बाद में जब आप मिक्स करते हैं इसे तो ओवर मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी ओवर बीट नहीं करना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें आपको मिल्क ऐड करना है। तो ये मैंने पूरा 3/4 कप मिल्क इसमें ऐड कर लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये डाल रही हूँ मैं विनेगर, 1/2 टेबल स्पून विनेगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इसको इसमें डाल देते हैं। हमारा माइक्रोवेव भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है, इसको भी फटाफट से मिक्स कर लेना है हमें। और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपने ग्रीस किए हुए टिन में। तो यहाँ पर ये टिन जो मैंने लिया हुआ है इसमें मैं इसे खाली कर लेती हूँ। इसमें पोर कर लेते हैं ये सारा मिक्सचर हम। ये प्रोसेस थोड़ा सा फटाफट करना चाहिए हमको जब हम इसमें विनेगर ऐड करते हैं, क्योंकि विनेगर और जो हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ है उसका रिएक्शन इसके अंदर होना चाहिए, माइक्रोवेव के अंदर, अवन के अंदर, बाहर नहीं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। अब आप लोग को पता ही है कि टैप करना कितना ज़रूरी है, तो इसे हम टैप कर लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह से टैप कर लेती हूँ। तो ये मैंने टैप कर लिया है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। और इसे मैं फटाफट से प्लेस कर देती हूँ इसमें और इसे रख देते हैं हम 30 मिनट्स के लिए। स्टार्ट 40 मिनट्स हो गया है बट मैं इसको 30 मिनट्स के लिए ही बेक करने वाली हूँ। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। तो इस केक को बनने में तो अभी 1/2 आवर लगेगा, और मतलब जब ये केक बनकर रेडी हो जाएगा तो मैं इसकी पिक्स जो होंगी वो सेंड करूँगी अपने FB पेज पर, ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं मेरे लाइव में। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे लाइव में। तो ये इसको तो अभी लगेगा 1/2 आवर लगेगा, और आप लोग एक बार यदि आप एक कन्वेक्शन मोड पर बना रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ एक दो बार ट्राई करिए कि आप लोग खुद देखिए कि किस टेम्परेचर पर आपका जो केक है वो अच्छे से बेक हो रहा है। क्योंकि मुझे भी पहले काफ़ी टाइम लग गया था इसकी सेटिंग को मतलब जानने में, कि पहले मैं 180 डिग्री पर ही हमेशा बेक करती थी, बट 180 डिग्री मुझे लगा कि ठीक नहीं है। तो मैंने फिर 170 किया, फिर मैंने 160 किया, तो 160 पर मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले हैं।
तो आप लोग भी इस तरह से देख सकते हैं, रेसिपी ट्राई करिए, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए। तो केक में एक्चुअली बेकिंग में तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है देखा जाए तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं जब भी पॉसिबल होगा उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट लाइव में क्या देखना चाहते हैं, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए देन, बाय बाय, स्टे सेफ।